मिड डे मील में अनियमितता का मामला सामने आया है। सलाई बनवा प्राथमिक स्कूल में एक बाल्टी पानी में लीटर दूध मिलाकर बच्चों को पिला दिया गया। जब मिड डे मील का ये वीडियो सामने आया तो शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने दोबारा स्कूल में दूध बंटवाया तो स्कूल के मिड डे मील के मेन्यू के मुताबिक बुधवार को बच्चों को दूध देना था। रसोईया ने दूध देते वक्त एक बाल्टी पानी में एक लीटर दूध मिलाकर गर्म किया और उसे बच्चों को बांट दिया। तो आप समझ सकते हैं एक बाल्टी पानी में एक लीटर दूध मिलाकर किस तरह से बच्चों को पिला दिया गया। अब उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि स्कूल में दोबारा दूध बंटवाया गया, बच्चों को दिया गया, तो 80 बच्चों में ये पानी मिला दूध बांटा गया है। तो एक तरफ बच्चों को पोषण देने के लिए ये कवायद, दूसरी तरफ बार बार ये तस्वीरें आना उन कवायदों पर, उन योजनाओं पर कहीं ना कहीं पलीता लगाती दिख रही है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से मिड डे मील में ये बड़ा घोटाला सामने आया है। तो मिड डे मील की स्कीम की पोल खुलती हुई एक लीटर दूध में एक बाल्टी पानी, तो ये वो ट्वीट है जो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा किया है। तो अखिलेश यादव की तरफ से दिखावटी बीजेपी सरकार, मिलावटी पोषण आहार, ये एक ट्वीट के जरिए सीधे सीधे केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसके बाद ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्माता हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि दोबारा दूध को बंटवाया गया। देखिए अब वो कहां तक का सच्चाई है, मुख्यमंत्री जी ने उसमें जांच के लिए कह दिया है और जो भी गड़बड़ी होगी, कई बार कई चीजें अफवाह की तरह फैलती हैं और आजकल थोड़ा कोई ट्वीट कर देगा, उसको देखेगा, फिर उसमें डाल देगा सोशल मीडिया में, तो तुरंत उसको लोग देखने लगते हैं। कई बार अफवाह भी हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कहीं हुआ होगा तो मुख्यमंत्री हमारे सक्षम है और जरूर कार्रवाई करेंगे।